हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको एक ऐसी ओपनिंग बताने वाला हूँ, e4 e5। नॉर्मल ओपनिंग है लेकिन उसमें कुछ अलग टाइप के मूव्स। e4 e5 लुईस गैम्बिट बोलते हैं इसे। e4 e5 दूसरा मूव हम नेचुरली Nf3 करते हैं, लेकिन इसके बदले मैं आपको एक गैम्बिट लाइन सिखाने वाला हूँ, लुईस गैम्बिट। सेकंड मूव Bc4। अब यहाँ पे टोटल फोर मूव्स है, थ्री मूव्स है मेन। एक मूव है d6 ब्लैक के लिए, दूसरा काउंटर अटैक Nf6 और Bc2 c5। Bc5 इस गेम में पॉपुलर मूव है। e4 e5 बिशप ओपनिंग के सामने ब्लैक का Bc5 ये पॉपुलर मूव है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं साइड लाइन्स, मतलब d6 और Nf6। अगर ब्लैक d6 करता है तो सिंपल यहां पे आपको Nf3, Nf6 एंड d4, ये पोजीशन काफी जबरदस्त रहेगी। आफ्टर पॉन टेक्स पॉन, सिंपल क्वीन टेक्स और उसके बाद Nc3 और व्हाइट का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा। तो d6 इज नॉट अ गुड। दूसरी चॉइस है Nf6। Nf6 अगर करता है तो यहां पे आप सिंपल d4 करके स्क्वॉच गैम्बिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों Nc6 एक ये भी चॉइस है, पर ये भी बहुत पैसिव रहेगी। यहाँ पे आप Nf3 खेलोगे तो बिशप नाइट ओपनिंग हो जाएगी और उसके बाद आफ्टर ब्लैक प्लेस Nf6 सिंपल यू कैन अटैक ऑन d4। तो ये भी पोजीशन व्हाइट के लिए बेटर रहती है। तो मेन मूव क्या है? Bc5। ब्लैक का मेन मूव Bc5। आप देख सकते हो कि d6 Nc6 Nf6 के सामने व्हाइट से खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। Bc5 में यहां आपको सैक्रिफाइस देना है d4। अब दोस्तों d4 यहां पे अगर ब्लैक एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है सैक्रिफाइस, तो Bc6 एक ही ऑप्शन है। क्या होता है अगर पॉन टेक्स पॉन और बिशप टेक्स पॉन, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर किसी ने डिक्लाइन कर दिया तो Bc6 ये भी बहुत ही गलत मूव है। यहां आपको पॉन टेक्स पॉन करना है आफ्टर Bc5। वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से आप मूव ढूंढिए, बहुत ही बढ़िया मूव है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं अभी Bf7 सैक्रिफाइस, Bf7 आफ्टर Kf7 Qd5 चेक, Kf6 और फाइनल मूव है Nf3। अब ब्लैक अगर बिशप मूव करता है कहीं भी तो यहाँ पे सिंपल क्वीन मिल जाती है और मेटिंग थ्रेट है कुछ मूव में, जैसे कि Kg6 क्वीन चेक देन g4 रिजेक्टमेंट। तो ये पोजीशन में Bc6 पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और क्वीन भी बचानी है बिशप भी बचाना है, तो ब्लैक के पास एक ही सही चॉइस है Qe8। लेकिन Qe8 भी गलत मूव है। यहां पे आएगा बिशप चेक आफ्टर Kg6 देन Nd5 किंग टेक्स बिशप और यहां पे आपको करना है Nf7 और यहां सिंपल आपको फॉर्क के साथ एक्सचेंज मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। तो ये भी गलत मूव होगा। तो चलिए, डिक्लाइन मूव तो गलत है ब्लैक के लिए, तो यहां पे पॉन टेक्स पॉन Ed4 ये भी ब्लंडर मूव है। Ed4 क्यों ब्लंडर है? Ed4। अब यहां पे आप सिंपल विनिंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर Bf7 Kf7 Qh5 चेक Gc6 Qc5। अब पॉन बचाने का एक ही बेस्ट चॉइस है Nc6। यहां पे आपको खेलना है Nf3, फिर से पॉन पे अटैक D6, वन मोर ब्लंडर मूव।
ये D6 नेचुरल मूव है, लोग खेलेंगे ही खेलेंगे ब्लैक से। और यहाँ पे आपको सिंपल क्वीन टू D5, अगर ब्लैक ने बिशप E6 किया तो सिंपल नाइट G5 चेक और यहाँ पे बिशप मिल जाएगा। तो बिशप पॉसिबल नहीं है और किंग लाइक कहीं और जाता है, तो यहाँ बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग व्हाइट की ओर से आप खेल सकते हो, जैसे कि क्वीन पे अटैक, उसके बाद कैसल, नाइट D2 वगैरह वगैरह। तो समझ लो कि बिशप पॉन टेक्स अगर उसने किया तो आप तुरंत गेम अपने हाथ में ले लोगे। चलिए लास्ट सबसे बेस्ट चॉइस ब्लैक के लिए बिशप टेक्स D5। बिशप D4 में सिंपल आपको खेलना है नाइट टू F3, बिशप पे दो अटैक। अब नाइट F3 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट C6 सपोर्ट के लिए। यहां आपको सिंपल कैसल कर लेना है। ब्लैक खेलेगा नाइट टू F6 और यहाँ नाइट टेक्स D4, तो ये पोजीशन भी आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि नाइट D4 में C3 देन F5 वगैरह अटैक करके आप आराम से गेम जीत सकते हो। एक और चॉइस है जैसे कि नाइट F3 के सामने नाइट C6 के बदले ब्लैक ने अगर क्वीन से सपोर्ट किया तब भी आपको करना है कैसल। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप B6, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट टू C3 और ये D5 स्क्वायर पे कंट्रोल करने के लिए फोर्स मूव है C6। बट आफ्टर बिशप G5 यहाँ पे क्वीन G6 ओनली मूव है क्वीन बचाने का, और यहाँ नाइट E5। आफ्टर क्वीन टेक्स G5 सिंपल नाइट F7 फोर्स से आपको क्वीन और रुक दोनों पे अटैक मिलता है और शुरुआत में गेम में आप प्लस हो जाते हो। तो बहुत ही इजी लाइन है ये, पहले बिशप डेवलप कर दो बिफोर नाइट, तो ये जो नेचुरल मूव है सारे वो तो आने वाले ही है दोस्तों। बस ये ओपनिंग आप ट्राई करो गेम खेलते समय। चलिए अभी हम एक लाइव गेम खेलते हैं ब्लिस, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम वाला, आई थिंक 3-2 खेलते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। ओके, यहाँ पे आपको बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है और टाइम भी दिखेगा। B3 ये अनऑर्थोडॉक्स मूव है, यहाँ पे E5 कर देंगे। चलिए देखते हैं NC6। कई लोग B4 करके ये लाइन खेलते हैं बिशप 2। ये दोनों पियान चट्टो बिशप की ओपनिंग है, यहाँ पे हम भी पियान चट्टो करेंगे बिशप B7। ओपनिंग अगर कोई नहीं करता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पॉन पे दो अटैक है, तो आपको D6 बिशप टू E7। अब प्लानिंग हमारा किंग साइड अटैक का होगा यहाँ पे, तो रेटिंग देख लेते हैं सामने वाले का, 1957 है, 1992 ब्लीज में मेरा रेटिंग बहुत कम है, मैं बहुत कम गेम खेलता हूँ दोस्तों। और ओके टेक्स, नाइट टेक्स पॉन पॉसिबल है, कि यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गेम लूजिंग पोजीशन है, नाइट टेक्स नाइट की थ्रेट है। यहाँ क्या करना चाहिए, बिशप खेलेंगे तो नाइट टेक्स नाइट, Qd7 में भी नाइट इंटू नाइट, आफ्टर बिशप टेक्स देन बिशप टेक्स G7, एक्सचेंज डाउन होके खेलना पड़ेगा यहाँ तो। और एक्सचेंज डाउन में बिशप इधर, नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स देन बिशप टेक्स चेक, वैसे भी एक्सचेंज आ रहा है, नाइट टेक्स नाइट बिशप टेक्स B2 किंग एफ 8,
बिशप नाइट इनटू नाइट बिशप इनटू सी सिक्स डिस्क क्वीन डी सेवन में नाइट टेक्स बिशप टेक्स ओके। चलिए यहाँ पे हम एक्सचेंज दे देते हैं, थोड़ा कंपेंसेशन रहेगा अटैक का। व्हाइट डार्क स्क्वेयर लाइट स्क्वेयर बिशप मिल रहा है हमें, सो यहाँ उसने हमें सेव करने का चांस दिया है सिंपल। ये आई थिंक मेरे हिसाब से ब्लंडर होनी चाहिए। ओके नाइट टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, नाइट बी नाइट ए फाइव गुड मूव। ओके अब हमें स्ट्रॉन्ग बिशप मिल जाएगा, ब्लीज में कई बार ऐसे चांस मिल जाते हैं दोस्तों। मिस्टेक तो हमें पता चल गया कि ओपनिंग मिस्टेक थी हमारी, लेकिन ब्लीज में पॉसिबल है। ओके यहां सबसे पहले कैसल जरूरी और अब हम यहां पे सिंपल अटैकिंग मोड नाइट सी सिक्स। ओके डिस्कवर्ड का प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। क्वीन टू ई सिक्स नाइट पे प्रेशर बन रहा है। डिस्कवर कई बार गलत भी होता है दोस्तों, बना नहीं जाते लेकिन नेक्स्ट मूव में हमें हमारा ही पीस सेव करना पड़ता है। ये पोजीशन व्हाइट के ऊपर आ गई। काउंटर अटैक ये भी गलत है आई थिंक। अब दोनों पीस मर रहे हैं, ये नाइट किस क्यों बचा सकते हैं देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारा पीस डेवलप कर रहा है। क्विंटेक्स नाइट फॉर्क आता तो हमें जरा देखना पड़ता दोस्तों। स्पॉन पे अटैक बढ़ रहा है और हमें इसे बचाने के लिए नाइट से सपोर्ट करना पड़ेगा सिंपल। एच फोर हो सकता है गुड मूव। सी टू पे थ्रेड देखे हम भी अपना काउंटर अटैक कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके यहां पे कोई डिस्कवर तो है नहीं। ग्रुप ओपन फाइल सबसे नाइट अटैक क्वीन एक्सचेंज करेंगे। चलिए ऐसा भी हम पीस प्लस है, अब फोर्स एक्सचेंज तो होना ही है क्योंकि नाइट पे भी प्रेशर है। क्वीन नहीं हटाते तो क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी, क्वीन मूव किया तो नाइट मरेगा, फोर्स एक्सचेंज।
नाइट स्कूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेकरिंग मेट खोलने का चांस दिया है। यहाँ पे हम खेलेंगे ब्लंडर्स होते हैं जब टाइम प्रेशर होता है, यह सुपर सारे ब्लंडर्स। और ये एक्सचेंज ऑफर ओके, पॉन पुश बिशप टेक्स नाइट टेक्स पीस प्लस है तो सिंपल रुक एक्सचेंज कर लेते हैं, आराम से टाइम प्रेशर में गेम जीतना है हमें। और इसे रहने देते, एक पॉन ले लेते हैं ओके, कोई प्रॉब्लम। सिंपल बिशप वापस, रुक टेक्स रुक। और यहाँ पे डबल अटैक पॉन ओके, सिंपल बिशप बचा लेते, पॉन ले लेते हैं। नहीं इलीगल मूव होगा, जब ओके वन गेम। ऐसे भी हम गेम जीत रहे थे दोस्तों। लैपटॉप में ब्लिच खेलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि कर्सर और वो सब करने में, मोबाइल से ब्लिच खेलोगे आप तो बहुत सारे गेम्स जीतोगे। इसलिए आपको ज़्यादातर एडवाइस है कि मोबाइल से ब्लिच गेम खेलो। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी नई नई ओपनिंग सीखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।